क्या कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग से 5:30 बजे जब मिलेगी तो यह डिमांड करेगी कि असम का चुनाव खारिज हो, नए सिरे से चुनाव हो, बैलेट पेपर से चुनाव, और इन पर पुलिस कार्रवाई हो जिनकी गाड़ी में मिला? रेजोल्यूशन तो बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो गाइडलाइन है, ये तो इंडियन पीनल कोड है, इस पे हम क्या बोलेंगे, ये तो होना ही चाहिए प्राइवेट इंडिविजुअल के पास। दोबारा चुनाव मांगेंगे? एक बात बता दे, एआईसीसी का 2019 रेजोल्यूशन साफ तरह से अंकित करता है बैलेट पेपर से चुनाव। जब देश में बैलेट पेपर से चुनाव होगा लोगों की विश्वसनीयता जगेगी। क्या ये अभी देश का चुनाव 2024 में आएगा? आज बात असम, बंगाल, केरल, पुडुचेरी की हो रही है, तमिलनाडु की हो रही है, और केस असम में आया है। और क्या आप असम में दोबारा चुनाव की मांग करेंगे, जो अभी 2 राउंड हो चुके हैं उसको खारिज करवा के नए सिरे से फिर से चुनाव? रोहित जी, क्या ये 5 प्रदेश देश का हिस्सा नहीं है? मैंने मना नहीं किया, मैंने पूछा बैलेट पेपर से बिल्कुल होना चाहिए चुनाव। आप जो मांग करने जाएंगे उसका कोई प्रस्ताव आपके पास हो तो बता दे विस्तार से। ये पहली बार नहीं है, और मुझे दुख इस बात का है कि धज्जियां उड़ा देनी चाहिए थी अभी लोकतंत्र के चीधरण की, उस पर मीडिया चुप बैठा जब तक ईसी का रिपोर्ट नहीं आ गया। देखिए ऐसा है सुप्रिया जी, क्या है ना, दिक्कत क्या है ना, जिस थाली में खाता रहो ना इंसान, बाद में उसी को लात नहीं मारना चाहिए। सब मीडिया ने और हमारी रिपोर्टर ने वो सारे कागजात निकाल के रखे सामने जिसको आपके नेता सुबह से चमकाते घूम रहे, उसके बाद अब आप बताने लगे कि मीडिया कुछ नहीं कर रहा। मैडम करना आपको है, चुनाव आयोग से मांग आपको करनी है, हमें जो दिखाना हम दिखा रहे हैं। आप बैठी अपनी बात कर रही हैं और आपको कोई रोक नहीं रहा, आपने खुल के अपनी बात कही है, इसलिए फिर ये करना कि सब तो करने के बाद किसी बात में थूक देना, ये अच्छा नहीं लगता। अब मैं अजय जी को बीच में ला रहा हूँ, अजय जी आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप एहसान, आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रही है, मुझे गाली ना देखिए, आप भी मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हैं। सुप्रिया जी आप अपनी नौकरी कर रही है प्लीज, तो आप वो करिए, और प्लीज यहाँ मुझे ना बताएं, जो आदमी मीडिया में रहते हुए नौकरी को छोड़ के चुनाव लड़ने चला गया मुझे उससे शर्मस नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए प्लीज। इसलिए सुप्रिया जी प्लीज अपना अपना काम करें, अब मैं आज आलोक को ला रहा हूँ चर्चा में प्लीज। बहुत इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं, मैंने बहुत इंडिपेंडेंट काम किया। सुप्रिया जी को इंडिपेंडेंस दिख रही है, जब आप पत्रकारिता छोड़ के टिकट लेके चुनाव लड़ गई एक पार्टी से तो क्या इंडिपेंडेंस रही होगी? अब उस पे मुझे नहीं जाना, इसलिए छोड़ देते हैं। मसला आपका करियर नहीं है, मसला यह है कि क्या असम में दोबारा चुनाव होना चाहिए, जो आपने सवाल उठाया और जो आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी मांगेगी। अजय आलोक क्या आप सहमत हैं इस बात से? हालांकि ये बता रहा हूँ 6 बजे पूरी विस्तार से इस पर बहस हो रही है, कांग्रेस बीजेपी दोनों के प्रवक्ता हैं। सुप्रिया जी आपने गई थी, आपने मीडिया पर आरोप लगाना शुरू किया, मैंने कांग्रेस पार्टी पर कोई आरोप नहीं लगाया था, केवल आपकी बात सुन रहा था प्लीज। अब हो गया बहुत, अजय जी मैडम प्लीज अब आप मुझे सर्टिफिकेशन देना बंद कीजिए। अजय आलोक क्या आप इस बात से सहमत हैं कि बैलेट पेपर से दोबारा चुनाव होना चाहिए, ये बताते हुए 6 बजे फिर पूरी बहस इसी पर होगी? बोलिए अजय, बैठूंगी नहीं प्लीज मैडम प्लीज, आप पेपर प्लीज मैडम, रोहित जी प्लीज मैडम, रोहित जी एक बात प्लीज, प्लीज मैडम नुक्कड़, रोहित जी एक बात है प्लीज, अजय जी बोलिए। रोहित जी सुप्रिया जी को बस एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि ठीक है वो टेक्निकली अपनी बात सही कह रही है, लेकिन उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चलिए मान ली आपकी बात, चुनाव काउंटरमैंड नहीं होंगे, चलिए बात आपकी मान ली। मैडम 1975 पे जाइए जरा, इंदिरा गांधी का चुनाव हाईकोर्ट ने रोक दिया था, तो संस्था तो है ना, कोर्ट में जाइए उसमें अप्लाई कर दीजिए, आपकी बात मानी जाएगी, लेकिन आप तो वहां भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपको तो सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं लगता है, आपके साथ समस्या तो ये है, और हर चीज पे आप अपनी तो अपचित भी मेरी पट भी मेरी चलाना चाहती हैं, तो दोनों काम नहीं ना होगा। ईवीएम मिला है गंभीर बात है, सबको ही को चिंतन है, अगर आपको चुनाव आयोग को नहीं भरोसा है कोर्ट में जाइए ना, अच्छा सारे साक्ष्य आपके साथ हैं, काउंटरमैंड हो जाएगा चुनाव, ईवीएम अपनी ईवीएम की बात कर लीजिएगा। दूसरी बात, अब मैं जरा तृणमूल के भाई से पूछना चाहूंगा, इस पे चाहूंगा कि सुप्रिया जी जरा जवाब दें, उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि सारे दलों के नेता जिसको हमने चिट्ठी लिखी थी वो सब दल के नेता हमें समर्थन दे चुके थे पहले से, तो फिर सोनिया गांधी या कांग्रेस पार्टी चुनाव क्यों लड़ी है बंगाल में जब आप टीएमसी को समर्थन दे चुके हैं? कम्युनिस्ट के नेता खुलेआम टीवी के मंच से बोल चुके हैं कि अगर सरकार बनाने की बारी आई तो हम टीएमसी को ही समर्थन देंगे, तो आपस में विरोध करके आप लोग चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, जनता का बेवकूफ बना रहे हैं क्या? तीसरी बात टीएमसी के भाई के लिए, वो कह रहे हैं कि 1924 में दिल्ली में परिवर्तन करेंगे, अरे मैथिली और बंगाली में एक कहावत है, अपने नहाईछी बाढ़ दहाई है, खुद के नहाने का भरोसा नहीं, अपनी दीवार अपनी बाढ़ भी आप दहा दे रहे हो। भैया बंगाल पहले देख लीजिए ठीक से, जमीन खिसक रही है आपकी, अचानक बदहवास होकर 2 घंटा पोलिंग बूथ पर बैठ के पोलिंग आपने रोका, सेंट्रल फोर्सेस ने नहीं रोका, और कल देश ने देखा इसको, ममता दी ने क्या किया कल 2 घंटा बैठ के पोलिंग को रोका उन्होंने, जिसकी बाद में चुनाव आयोग में शिकायत की गई, क्यों? सीआरपीएफ पहले बोलती है सीआरपीएफ इज लाइक माई ब्रदर, उसके बाद सीआरपीएफ की शिकायत, बीएसएफ की शिकायत, आज बीएसएफ को दानव कह रही थी। तो भैया जब सब दानव है, सब शिकायत ही आप करेंगी, तो इस देश में बचा कौन है? सिर्फ आप ही लोग बचे हुए हैं,
नकारात्मक का इतना भाव नहीं होना चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, लोग जीतते भी है हारते ही, अलग बात है आपके हारने का रिकॉर्ड थोड़ा लंबा हो रहा है कांग्रेस पार्टी का,